गुड मॉर्निंग बेटा, अज आप पाठ नंबर 7 पंजाबी का नक लची बंदर ते अमन शुरू करांगे। नक लची का की मतलब हुंदा है? जेड़ा दूजे की नकल उतारे। अमन दूर पिंडा विच जाके टोपियां बेचदा हुंदा सी। एक दिन वह शहर तो टोपियां खरीद के अपने पिंड आ रहा सी। राह विच उसनू एक जंगल पार करना पैंदा है। वह चलते चलते काफ़ी थक चुका सी। काफ़ी का मतलब हुंदा बहुत। वह कुछ चिर आराम करना चाहता सी। अमन आराम करन लई इधर उधर किसे रुख की छां लभन लगा। रुख की हुंदा है दरख्त। थोड़ी ही दूर उसनू बहुत संघनी छां वाला एक रुख नज़र आया। संघनी की हुंदी है? जिथे ज़्यादा छां होवे, ठीक है, घंटा होवे जिथे ज़्यादा। वह रुख की छां हेठ आ गया। उसने अपनिया टोपिया वाली गठड़ी रखी तो लेट गया। थकावट ज़्यादा होने कारण उसनू उत्थे उस वेले नींद आ गई। अमन जिस रुख हेठ सुता सी उस उपर बहुत सारे बंदर रहिंदे सन। सारे बंदर एक एक करके रुख तो थले उतरे। अमन नू सुते वेख गठड़ी विचों टोपिया कट के वह वापस रुख ते चढ़ गए। आराम कर लैण मगरों जदों अमन जागया तां अपनी गठड़ी खुली वेख के हैरान हो गया। इस फोटो विच भी देखो, उन्होंने गठड़ी खोली तो टोपियां कड लईयां। उठिया तो उन्हें देखिया कि बंदर टोपियां सिर ते लैके दरख्त ते फिर रहे ने। उसने एकदम उत्ते वेख्या उसदियां टोपियां बंदरां ने अपने सिरां ते पाईयां होईयां सन। अमन ने बड़ी कोशिश की कि बंदर उसदियां टोपियां वापस कर दे, पर वो कामयाब ना हो सकिया। वापस का की मतलब हुंदा है? अपने कोल वापस लैण किसी चीज़ नूं, ठीक है, लेना मुड़ आपां मिल जाए जिहड़ी चीज़, उसनों वापस लेना कहिंदे ने। कामयाब सफल ना हो सकिया। उसके दिमाग विच अचानक एक तरकीब आई, मीनस आइडिया आया उसनों। उसने अपनी सिर वाली टोपी ला के थले जमीन ते सुट दिती। ला के मतलब उतार दिती। ये वेखदे आ कि सारे बंदरां ने भी अपने सिरां तो टोपियां उतार के हेठां सुट दित्तियां। अमन ने छेती छेती टोपियां इकट्ठियां करके अपने थैले विच पाईयां ते अपने पिंड वल तुर पिया। बेटा, एक छोटी जी स्टोरी सी नकलची बंदर ते अमन। इस दे विच अमन है जिहड़ा टोपियां वेचण जांदा है, वह एक जंगल दे राह जांदा है। थकावट कारण एक दरख्त हेठां रुक जांदा है। उत्थे बंदर रहिंदे ने। वह बंदर उस दीआं टोपियां चोरी कर लैंदे ने ते सिरां ते लै लैंदे ने। वापस लैण लई की करदा अमन? अपनी टोपी उतार दिंदा है, उतार के सिट दिंदा है ते बंदर भी उस तरह करदे ने। ठीक है, तुसी इस वीडियो नू देखदे होए स्टोरी नू ध्यान नाल समझना है ते फिर आप इसकी रीडिंग लैनी है। थैंक यू।